अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मीना मंजूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं जी आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह एक और प्रोडक्ट का रिव्यू करें जी आपके सामने। तो इस बार मेरे पास है जी चीका हेयर स्ट्रेटनर। ये है जी चीका कैरामिक हेयर स्टाइलिंग आयरन है, जो कि स्ट्रेट करता है, कर्ल करता है, फ्लिप करता है और स्टाइल। ठीक है जी, स्ट्रेटनर को आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, कितना सा है, छोटा सा स्ट्रेटनर है, बहुत ही अच्छा एक किस्म का स्ट्रेटनर लग रहा है ये। बाकी तो यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसा है। प्राइस है जी इस स्ट्रेटनर की, वो है जी $50, जिसको आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाते हैं जी 8 से 10 हज़ार। ठीक है जी, थोड़ा पैसा लगा के हमेशा की तरह से आप जो है ना अच्छी चीज़ ले लिया करें और काफ़ी टाइम के लिए वो यूज़ हो जाती है। ठीक है जी, बाकी हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसा है। ठीक है जी, ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। ठीक है जी, उस टाइम आप देखो मेरे बालों को, उनका टेक्सचर भी आप देख रहे हैं और स्ट्रेटनर देखें बिल्कुल फ्लैट सा है और इजी टू यूज़ है, इजी टू कैरी है। वायर इसकी बहुत बड़ी है, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट होता है स्ट्रेटनर को, जिसको आप बहुत इजीली आपको फिर यूज़ करने में ना बहुत इजी होता है। ठीक है जी, अब इसको ऑन करते हैं और जब तक ये ऑन होता है, लाइट इसकी ऑन होगी है, हीटअप होता है, तो मैं अपने बालों पे लगा रही हूँ जी एस जी क्रिएशन का टी ट्री हेयर सीरम। ये जो एक डिटैंगल करता है बालों को और फ्रीजीनेस ख़त्म करता है, बहुत स्मूथ और मॉइस्चर से टेक्सचर देता है आपके बालों को। ठीक है जी, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों पे जब मैं कर्ल्स वगैरह या स्ट्रेट करती हूँ। और उसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का प्री आयरन स्प्रे। ठीक है जी, ये भी अपने बालों पर लगा लूँगी, उसके बाद पार्टीशन कर लूँगी बालों को और स्ट्रेट करना शुरू करूँगी। ठीक है, जितने थिन हेयर आप लेके स्ट्रेट करोगे आपके बाल उतने ही अच्छे स्ट्रेट होंगे। बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और यह है कि आपको फिर हेयर फॉल इस तरह का इशू नहीं होता है। उसके साथ आप बायोटिन का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है, उनकी हैं आजकल न्यूट्री फैक्टर वालों की हैं और डिफरेंट इस तरह की कंपनीज ने जो बायोटिन लॉन्च किए हैं, उसके प्रोडक्ट्स आप लाजमी यूज़ कर अपने बालों के लिए, तो आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं। और कर्ल्स और स्ट्रेट करने से पहले इस तरह के जो होते हैं ना प्री हेयर प्री आयरन स्प्रेस होती हैं, उनको भी लाजमी यूज़ करना, काफ़ी हद तक आपके बाल डैमेज होने से बच जाते हैं किसी भी तरह की, जब आप हीट यूज़ करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आप देखो स्ट्रेट कर रही हूँ मैं अपने बालों को कॉम की मदद से, साथ साथ स्ट्रेट कर रही हूँ, कितनी कितनी जल्दी ये स्ट्रेट कर रहा है। इस तरह स्ट्रेटनर का ये है कि जितनी जल्दी आपके बालों को स्ट्रेट करता है, वो फिर कम आपके बालों पे हीट लगती है और स्ट्रेट भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से आप बालों में आप शाइन चेक करो, ये सारी चीज़ें आती हैं जब आप इस तरह के सीरम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे एक बड़ी अच्छी एक बालों में शाइन आ जाती है और एक एंड पे ग्लोसी शाइन के भी हेयर स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी एंड पे करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल मैं फ्लैट कर रही हूँ अपने बालों में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने अपने बालों में एक वॉल्यूम क्रिएट किया था, वो भी आपको मैंने दिखाया था। और इस बार अपनी वीडियो में मैं अपने बालों को सिर्फ बिल्कुल फ्लैट जट स्ट्रेट अपने बाल कर रही हूँ और एंड पे ना जस्ट उसको मैं इनवर्ड वाली साइड पे कर दूँगी कि मैंने जो मेरा हेयर कट है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है जी, ये हो गए हैं बाल मेरे स्ट्रेट, अब इसको थोड़ा सा मैं इनवर्ड कर दूँगी। ये जी, इस तरह के स्ट्रेटनर की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप कर्ल्स भी बहुत इजीली कर लेते हैं, अपने बालों को इनवर्ट करें, आउटवर्ट करें, जैसा भी हेयर स्टाइलिंग करनी हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गए हैं जी बाल मेरे स्ट्रेट, रिजल्ट आपके सामने है। वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्ट्रेटनर का रिज़ल्ट कैसा लगा है। अब एंड पे वही मैं गार्नियर की ग्लोसी शाइन स्प्रे यूज़ करूँगी अपने बालों पर, इससे मेरे बालों में और ज़्यादा अच्छी शाइन आ जाएगी। ठीक है जी, ये थी जी आज की वीडियो, ये था आज के स्ट्रेटनर का रिज़ल्ट और रिव्यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसे अच्छी लगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, आप अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।